नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट विद सचिन बोरा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा आंखों की रोशनी के बारे में, जो कि चाहे क्रिकेट का गेम हो, कोई अदर स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन हो, आंखों का कितना इम्पोर्टेंस है। जैसा कि आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि लॉकडाउन के कारण सभी बच्चे ऑनलाइन स्कूल पढ़ रहे, मोबाइल में, लैपटॉप में, टीवी में, सभी लोग लगातार कंटिन्यूसली अपनी आँखों को टीवी की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर लगाए हुए हैं। और ये बहुत ही, सब लोगों को पता है कि बहुत ही डेंजरस है आँखों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा चार पांच एक्सरसाइज जो कि आप बहुत आसानी से घर में कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी अगर किसी के बच्चों की ऑलरेडी आँखों में चश्मा लगा हुआ है, बच्चों के क्या बड़ों के भी अगर आँखों में चश्मा लगा है, बहुत जल्दी महीने के अंदर उनका चश्मा उतर जाएगा। काफ़ी लोग, आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोग बोलते हैं 5 दिन में चश्मा हटाएं, 6 दिन में चश्मा हटाएं, ये सब इम्पॉसिबल है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। जो इम्पोर्टेंट है आप उस चीज़ को करिए जो एक्सरसाइज मैं बताऊँगा, बाबा रामदेव भी आप लोगों को बताते हैं, और भी बहुत सारी एक्सरसाइजें हैं जिनसे बहुत जल्दी चश्मा आंखों से दूर हो जाता है। और स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा था, क्रिकेट में हो या कोई भी गेम में हो, आंखों की रोशनी का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बॉल को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, बॉल पर लास्ट तक अपनी नज़र बनाए रखना पड़ता है। इसलिए इन सारे एक्सरसाइज को आप देखिए, अपने बच्चों को डेली घर में कम से कम 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं 15 मिनट उनको दीजिए, और ये एक्सरसाइज आप रोज़ कराइए ताकि बच्चों की आंखें बिल्कुल एकदम सॉलिड रहे। दोस्तों, अगर इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले इस तरह के सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज सबसे पहले मैं बताऊंगा, जब भी आपके बच्चे उठते हैं तो सबसे पहले तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक ठंडे पानी से आँखों में पूरा पानी छपकाएँ, आँखों में पानी को कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक आँखों को धोएं, आँखें खोल के, ऐसे नहीं कि बंद करके, आँखों को खोल के आँखों में कम से कम 2-3 मिनट तक पानी को छपकाते रहें। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, ये जो हाथों के ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इस इन दो पॉइंटों को इसके बीच में ऐसे करके दबाएं, आप दर्द होगा वो कंटिन्यूसली इसको 2-4 मिनट तक रोज़ अगर दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे दबाते रहेंगे तो बहुत असर पड़ेगा, बहुत इफ़ेक्टिव है ये एक्सरसाइज। ये अपने बच्चों को कराए, बड़े भी, जिनकी भी आँखों की प्रॉब्लम है, अगर नहीं भी है, क्योंकि पढ़ाई और देख रहे हैं आप लगातार कंटिन्यूसली बच्चे आपके टीवी स्क्रीन में, मोबाइल स्क्रीन में, लैपटॉप स्क्रीन में बैठे हुए हैं, कंटिन्यूसली आँखों में जोर पड़ रहा है, तो उसको दूर करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, और ये बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि आगे ऐसा नहीं कि देर हो जाए, इससे पहले आप स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है अनुलोम विलोम, ये कम से 4-5 मिनट इसको कंटिन्यू कराएं बच्चों को या खुद को, जो जिसको भी आंखों की प्रॉब्लम हो, कंटिन्यूसली इसको करिए, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप जब, आपका जब चश्मा दूर होगा तब आपको विश्वास होगा कि हाँ ये कितना इफ़ेक्टिव है। और नेक्स्ट मैं आसन आपको करके बताऊँगा, आप उन आसनों को देखिए। फर्स्ट में आता है हल आसन, ये मेरा लड़का सचिन है, ये करके दिखा रहा है, ये आजकल जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से मैंने इसको कराना धीरे धीरे शुरू किया है, क्रिकेट भी खेलता है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल में, धीरे धीरे इस तरह से पैर ले जाना और धीरे धीरे से ऐसे वापस पैर को लाना, कम से कम 1 मिनट तक या 2 मिनट तक जितना हो सके शुरू शुरू में, कम कम और धीरे धीरे आप उसको बढ़ाएंगे तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है सर्वांग आसन, ये इससे पूरा जो ब्लड है हमारा ऊपर पैरों का, पूरे शरीर का ब्लड पूरे हमारे सिर में आ जाता है, और यही जो ब्लड है हमारे दिमाग में, आँखों में, सब में अच्छे से जाता है, और दिमाग भी बढ़ाता है और आँखों की रोशनी भी। बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, आप इसको ज़रूर कराएं। इसी का एक दूसरा अल्टरनेटिव है शीर्षासन, जो कि मैं अगला कराऊंगा, अभी देख सकते हैं, अगर बच्चे आपके कर नहीं सकते क्योंकि स्टार्टिंग में होता नहीं, ऐसे हाथों को लॉक करके सिर में
ऐसे आप सपोर्ट दे सकते हैं या कहीं दीवार पर आप इसको ऐसे करा सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सके तो आप सपोर्ट दें क्योंकि बच्चा गिर ना जाए, ऐसे करके आप उसका पैर रोकें, धीरे धीरे बाद में वो सीख जाएगा। इस तरह से पूरा ऊपर का खून जो है हमारे मस्तिष्क में और आँखों में आ जाता है, और ताकि खड़े रहने से, आपको पता है खड़े रहने से हमारे शरीर का खून नीचे साइड में जाता है, लोअर बॉडी में ज़्यादा जाता है, सिर की तरफ कम रहता है। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज करा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हो सके तो विटामिन ए की चीज़ें जैसे गाजर है, कच्चे जो भी चीज़ें हैं, सैलड वैलड जो भी है, कच्ची चीज़ों को का सेवन कीजिए, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। फ्रूट्स खाइए, कच्चा जो भी हम खाएंगे पका हुआ से बहुत ही आँखों के लिए, रोशनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।